क्वेश्चन है सर 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 ठहर जा। हाँ जी आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह? हाँ जी भैया ऐसा है, हाँ जी। आपको बता दें, हाँ जी। जब आप हमारी उम्र के होंगे, हाँ जी। तो रात में कम से कम 3-4 बार उठना पड़ेगा आपको। ना ना मतलब तो हमारी नींद जो है वो खुलती रहती है 3-4 बार। तो वैसे अगर पूछा जाए तो अभी यहाँ जैसे आज आना था खेल शुरू करने से पहले, तो 5:30-6 बजे उठना पड़ता। तो सर आपने सनराइज तो देखा ही होगा ना सर, सूर्योदय? हाँ सूर्योदय देखा। तो उस सूर्योदय होने से पहले आकाश में एक जो लालिमा सी छाती है ना सर, उसको अरुणोदय बोलते हैं। और जो मेरे भाई का नाम है उसका नाम है अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब होता है सूर्य का उदय होना, और मेरा मतलब होता है सूर्य के उदय होने से पहले वाली लालिमा। क्या बात है भाई साहब, आपके बोलने के तरीके और आपके अंदर जो बुद्धि है, जितना भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है, यस सर, ऐसे लगता नहीं कि आप 9 वर्ष के हैं। सर आप अकेले आदमी नहीं है जिन्होंने मुझे ये कहा है। इनसे कोई भी प्रश्न पूछना जो है, पता नहीं क्या बम आने वाला उधर से। ओके आप बड़े होकर के क्या करेंगे? सर ऐसा है, मैं अभी आपको अच्छे से बता नहीं सकता क्योंकि मेरे सपने कब चेंज होते हैं मुझे खुद नहीं पता। अगर जी मैंने अदालत का प्रोग्राम देख लिया तो मुझे जज बनना है, अगर जो है बिजनेसमैन का प्रोग्राम देख लिया मुझे बिजनेसमैन बनना है, आईएएस का प्रोग्राम देखना आईएएस बनना है, डॉक्टर तो मैं बिल्कुल बनना नहीं चाहता हूँ। हाँ। और पॉलिटिशियन भी नहीं। लेकिन सिंगर बन सकता हूँ मैं। क्या बनना चाहते हैं? सिंगर गायक। गायक बनेंगे आप? यस सर बन सकते हैं, अभी तो पता नहीं भविष्य में क्या करेंगे। केबीसी आप नहीं देखते हैं क्या? सर केबीसी तो हम इतना देखते हैं जी, जब मैं छोटा बच्चा था तो जब पापा मम्मा न्यूज देखते थे, जब ये छोटे बच्चे थे। हाँ जी, तो जी आजकल भी तो देखते ही है, आपका शो इतना हिट है क्योंकि आप है उसमें, अगर जी कोई और होता तो इतनी पॉपुलैरिटी बन ही नहीं सकती थी सर। आप इस शो में तब ये शो चल रहा है सर। अरुणोदय जी जल्दी से आपको खेल के नियम बता दो क्योंकि आपने तो हमारी एकदम हालत खराब कर दी है। सर जब आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तब आप खेल के नियमों पर ही आते हैं सर, मैंने देखा है। ए भगवान, किन बच्चों से पाला पड़ गया है हमारा। ओहो ऑलराइट, स्वभाव है वो एकदम बुजुर्गों जैसा है, आपने देखा है सर? कभी? बचपन से जो है मैं बुजुर्गों और जानवरों है ना, इन दोनों चीजों के साथ मैं बचपन से ही कनेक्टेड हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब जैसे अगर कोई बुजुर्ग है शादी में है तो जी थोड़ी सी अगर हमने बात कर ली तो हमारी आधे घंटे से पहले बात खत्म नहीं होती सर, बात रुकती नहीं है सर हमारी। कितने बुजुर्गों के साथ आपकी मुलाकात होती है? अब जी ये नहीं बता सकते, हम जितने रिश्तेदार आते हैं उन सब के साथ बातचीत होती है, पापा मम्मा से ज्यादा बातचीत रिश्तेदारों के साथ तो मैं ही करता हूँ। अच्छा। हाँ मम्मा पापा तो बस देखते रहते हैं। हे भगवान, जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुंजार, जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुंजार, जहाँ चार यार, महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, धौर चले धूम मच, मस्त मस्त नजर दिखे नए चमत्कार, जहाँ चार यार। वाह क्या बात है सर, आपकी शराबी फिल्म का गाना है। अच्छा सुनिए, हम आपका एक इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। यस सर। हम कुछ गाने बजाएंगे। यस सर। पूरा गाना नहीं बजाएंगे। यस सर। मतलब जैसे? हाँ कैसे मतलब? जब मतलब जैसे उसका संगीत बजाएंगे। हाँ, yes, आपको बताना होगा कि वो गाना क्या है। ओके ओके समझ गए ना? यस यस समझ गए।
गाने की जो धुन है ट्यून, हाँ बिल्कुल वही ट्यून बनाएंगे। अच्छे समझ गया सर। यानी आपने हमको बोल भी दिया है कि कैसे बोलना चाहिए, ट्यून ट्यून सुनाएंगे आपको। तो हम आपको ट्यून सुनाएंगे, आपको बताना पड़ेगा ये गाना क्या है, ठीक है? पहला गाना बजाया जाए। सर जो तेरा चकराया दिल डूबा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और। यस सर। बजाया जाए गाना। सर एक प्यार का नगमा है सर, इसी के साथ साथ जो है जनता का एंटरटेनमेंट भी हो गया थोड़ा थोड़ा। जनता बड़ी, जनता मन में गुनगुना रही थी गाना सर, मैं देख रहा था।